2015 में जब हम लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी तो पानी के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल था। पूरे दिल्ली के अंदर स्थिति ये थी कि पानी के बिल तो आते थे लेकिन पानी नहीं आया करता था। खासकर पिछले चुनावों के दौरान जब मैं घर घर कैंपेनिंग के लिए जाता था तो लोग अपने अपने बिल लेके बैठे होते थे। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये महीने के लोगों के बिल आया करते थे और लोग यही कहते थे जी बच्चों को पाले कि पानी के बिल भरें। पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने कई क्षेत्रों में सुधार किए हैं। मोटे मोटे तौर पे तीन चार मुद्दे सामने निकल के आते हैं। एक तो ये था कि हमने पूरा का पूरा जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही एक तरह से प्रिमिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इनहेरिट किया था। लगभग 58% कॉलोनियों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछी हुई थी और बाकी कॉलोनियों में टैंकर से पानी जाया करता था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि 70 साल के आज़ादी के बाद भी लगभग आधी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था। आज 5 साल में हमने 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी है। लोगों के घरों में टूटी से पानी जा रहा है और जो 7% एरिया बचा है दिल्ली का उसमें कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो कानूनी अड़चन की वजह से जो फॉरेस्ट में आती हैं या जो ASI के एरिया में आती हैं उनको छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली के अंदर 1 से 2 साल के अंदर हम बची हुई कॉलोनियों में भी पाइपलाइन बिछा देंगे। वहाँ भी काम चल रहा है पाइपलाइन बिछाने का। इसके अलावा जब हमने टेक ओवर किया था तो द्वारका, बवाना, इन ये जो WTPs हैं ये बन के कई कई सालों से बन के जंग लग रहा था। इनको इनको हम लोगों ने चालू करवाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे पिछले 5 साल में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं और काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। दूसरी बड़ी समस्या थी कि दिल्ली में हम सब लोग जानते हैं कि पानी की कमी है। दिल्ली को 1200 MGD के लगभग पानी की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने टेक ओवर किया 820 MGD पानी दिल्ली में प्रोडक्शन होती थी। 820 MGD के मुकाबले 1200 MGD की ज़रूरत है। इसके पहले जो पानी की एडिशन प्रोडक्शन हुई थी वो 2006 में हुई थी। 2006 में सोनिया विहार प्लांट में 140 MGD पानी और आना चालू हुआ था। उसके पहले 680 MGD होता था और उसके पहले 1996 में हुई थी। 1996 में जितना पानी बनता था उसके बाद 2006 में पहली बार 10 साल के बाद एडिशन हुई। और अब जब हमने टेक ओवर किया 820 MGD था, हम लोगों ने लगभग 125 MGD पानी ऐड किया है पिछले 5 साल के अंदर। आज 940 MGD दिल्ली में पानी की प्रोडक्शन होती है। ये भी कम है, अभी और इंक्रीज करनी है अपने को। लेकिन पिछले 5 साल में लगभग 14% पानी की प्रोडक्शन की एडिशन हुई है। ये हमने कई सारे स्टेप्स उठाए। जैसे मैंने कहा कि द्वारका WTP, बवाना WTP, हरियाणा के साथ मुनक नहर से हमें पानी मिलना चाहिए था। हरियाणा मुनक नहर से पानी नहीं दे रहा था। उसके लिए हमने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में हम केस जीते और मुनक नहर से पानी आना चालू हुआ जिसकी वजह से हमारे द्वारका और बवाना WTPs चालू हुए। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान पानी की वेस्टेज होती थी, उस पानी को भी हमने रिसाइकिल करना चालू किया जिसकी वजह से और थोड़े से पानी की बढ़ोतरी हुई। तीसरी समस्या पानी के सेक्टर में थी कि एक तो पानी की कमी थी लेकिन जो पानी था भी उसमें लीकेजेस और चोरी बहुत थी। उसको हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है।
दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया, हम सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े स्केल के ऊपर टैंकर माफिया होता था। आज इक्का दुक्का कहीं इंसिडेंट सुनने को आता है, लेकिन लगभग दिल्ली को टैंकर माफिया से निजात मिल चुकी है, क्योंकि वो टैंकर माफिया पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से चलता था। हम सुनते थे कि ये फलाने के टैंकर की टैंकर हैं, ये उनके टैंकर हैं। आज दिल्ली में ईमानदार सरकार है, मौजूदा सरकार के किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के टैंकर नहीं चलते, इसीलिए टैंकर माफिया पे कंट्रोल लगाया जा सका। दूसरे बहुत ज़बरदस्त लीकेजेस थे, लीकेजेस का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बार मैंने असेसमेंट करने की कोशिश की कि भाई हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 900 MGD पानी निकलता है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी हमारे प्राइमरी UGRs में पहुंचता है। तो एक दिन मैंने ऐड किया कि भाई प्राइमरी UGR में आज कितना पानी पहुंचा, तो पता चला 600 MGD पानी पहुंचा। तो 900 MGD पानी WTP से छोड़ा गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, और वो पाइपलाइन चलते चलते 600 ही पहुंचा, तो 300 कहाँ गया, इसका हमारे पास जवाब नहीं था। फिर जो सेकेंडरी UGR थे उनका जब ऐड किया तो पता चला 400 MGD पहुंचा वहाँ पे सेकेंडरी में, तो बाकी 500 रस्ते में कहाँ गया, इसका जवाब नहीं था। तो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर फ्लो मीटर लगाने चालू किए। आज दिल्ली में 3000 फ्लो मीटर लग रहे हैं, जितने हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसके आउटपुट के ऊपर लग रहे हैं, जितने हमारे प्राइमरी UGR है उसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर लग रहे हैं, जितने हमारे सेकेंडरी UGR है उनके आउटपुट और इनपुट पे लग रहे हैं, और जितनी रस्ते में लीकेजेस टैपिंग्स हैं, इनको टैपिंग्स कहते हैं, ये अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम पे किसी नेता ने अपनी विधानसभा के लिए एक पाइपलाइन में टैपिंग डाल ली, किसी ने दूसरी यहाँ टैपिंग डाल ली, यहाँ होल करके टैपिंग करके अपने एरिया में ले गया, इन सारी टैपिंग्स के ऊपर भी हमने फ्लो मीटर लगाए हैं। तो एक छोटी सी जानकारी, अभी ये सारे फ्लो मीटर लग रहे हैं और 6-7 महीने के अंदर हमें बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे 8 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो अभी तक प्राइमरी UGR तक फ्लो मीटर लग चुके हैं, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले जो मैंने एक्सरसाइज की उसमें 30% की जो लीकेज थी वो सारी लीकेज अब मिल गई है, सारी टैपिंग्स मिल गई है, और उन पे जब फ्लो मीटर लगे हैं तो फ्लो मीटर से पता चल गया कि किस टैपिंग से कितना पानी निकल रहा है। तो ये सारी लीकेजेस की अब अकाउंटिंग हो रही है कि जितना पानी दिल्ली के अंदर लीक हो रहा था उस सारे पानी को हम लोग अकाउंट फॉर कर पा रहे हैं। पानी जनता ही पिएगी, लेकिन कम से कम वो जो पानी अभी चोरी से टैपिंग के जरिए निकल रहा था उसको हम सिस्टम में लेके आएंगे ना। अब UGR के जरिए आपको आप ही को पिलाएंगे, लेकिन उसको एक सिस्टम के अंदर लेके आएंगे जो अभी हैफेजर्ड तरीके से जा रहा था। तो अब हमारी प्लानिंग है कि हमें दिल्ली को 24 घंटे पानी देना है। हमने 100% दिल्ली में पाइपलाइन तो बिछा रहे हैं अब, लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं एक घंटा पानी आता है, आधा घंटा पानी आता है। दिल्ली देश की राजधानी है, हम जब विदेशों में जाते हैं, आप किसी भी विदेशों में किसी भी राजधानी में चले जाइए, आपको वहाँ पे टूटी में पानी मिलता है, 24 घंटे पानी मिलता है, और कोई फिल्टर नहीं लगाना होता, कोई RO नहीं लगाना होता। हम भी यही चाहते हैं कि हम 24 घंटे पानी हर घर को दे सकें, चाहे वो छठी मंजिल पे हो चाहे 14वीं मंजिल पे हो, अच्छे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे पानी आए और साफ पानी आए। और आज हम जहाँ पे अपने इस यात्रा में पहुँचे हैं, आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो 5 साल में हमने अचीव किया, अगले 5 साल के अंदर हम ये भी अचीव कर लेंगे कि 24 घंटे पानी, साफ पानी और अच्छे प्रेशर से पानी हम सबको दे पाएंगे। इसके लिए पानी की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यमुना के अंदर आप सब लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट चालू किया है, जिसमें हम यमुना के फ्लड प्लेन्स के अंदर पानी को रिचार्ज कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स के अंदर उससे पानी मिलेगा। दिल्ली के अंदर लगभग 250 वाटर बॉडीज़ को रिचार्ज किया जा रहा है, 6 नई बड़ी बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा रही हैं, 9 लेक्स हमें DDA से मिली हैं, तो लगभग 15 नई बड़ी बड़ी लेक्स बनेंगी। इसकी वजह से भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम 200 MGD के और एक्स्ट्रा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें लगभग हम
30 से 40% के बीच में पानी की प्रोडक्शन की बढ़ोतरी कर पाएंगे अगले 5 साल के अंदर। जैसा मैंने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी लोग पानी के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिल बहुत ज़्यादा आते थे। हमने आते ही 20,000 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, प्रति महीना हमने फ्री किया। आज मुझे खुशी है कहते हुए कि जैसे पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है, ऐसी पूरे देश में सबसे सस्ता पानी भी दिल्ली के अंदर मिलता है। हमारी सरकार बनने के पहले जहां एक और सबसे ज़्यादा बिल आते थे, पानी बहुत ज़्यादा महंगा था, पूरे देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में था। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पानी के बिल तो बहुत आते थे, पानी के रेट भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जल बोर्ड का रेवेन्यू लगातार नीचे डाउन जा रहा था। जो रेवेन्यू बिल से कलेक्ट होता है वो रेवेन्यू 2012-13 में 1519 करोड़ था, ये घट के 2014-15 में 1219 करोड़ रह गया। 2 साल के अंदर 2012-13 से 14-15 के बीच में 20% जल बोर्ड का रेवेन्यू कम हो गया। तो हमने जो इनहेरिट किया था 2014-15 में 1219 करोड़ रेवेन्यू था, वो बढ़ के 18-19 में पिछले साल 1819 करोड़ हो गया। देयर इज अ 50% इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ दिल्ली जल बोर्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा नए कनेक्शंस 1 अप्रैल 2015 को जल बोर्ड के 19 लाख टोटल कनेक्शन थे, ये बढ़ के अभी 1 अगस्त 2019 अभी पिछले महीने 23,73,000 हो गए। लगभग 5 लाख नए कनेक्शन बढ़े हैं, 25% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल में पानी के कनेक्शंस का। हमारी टेक ओवर करने के वक्त 3.5 लाख अनमीटर्ड कनेक्शंस थे, ये घट के आज 1.5 लाख अनमीटर्ड कनेक्शंस रह गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मीटर लगवाए हैं। आज जिस योजना की मैं घोषणा करने जा रहा हूं, हम लोग आज हमारे पास एरियर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। उसका कारण ये है कि हमारा जो पूरा बिलिंग का सिस्टम है उसमें कई सारी कमियां हैं। कई कई लोगों को कई कई महीने तक बिल नहीं मिलता। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि विदाउट रीडिंग बिल आ गया, कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि रीडिंग गलत है। कुछ एक मीटर रीडर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत किया, जिसकी वजह से बिल गलत बने। पिछले साल से हम लोगों ने एक नया सिस्टम बिलिंग का शुरू किया है। इसमें हमने सारे मीटर रीडर्स को टैब दे दी है। अब वो टैब लेके जाता है एक मीटर रीडर, टैब के जरिए उसको मीटर की फोटो खींचनी होती है, तो वो मीटर रीडिंग गलत नहीं ले सकता। और दूसरा, जब वो फोटो खींचता है तो उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, तो पता चल जाता है गया था, वहाँ की लोकेशन आ जाती है, तो लोकेशन भी आ गई और रीडिंग भी आ गई। तो अब वो घर बैठ के मीटर नहीं, आपका बिल घर बैठ के नहीं बना सकता, उसको जाना पड़ेगा और जाके उसको ठीक मीटर रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो जब से ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज किया गया और जब से ये टैब सिस्टम चालू किया गया, तो जितने एरियर के कई ऐसे लोग हैं जिनके 5-5, 7-7 साल के एरियर पड़े हुए हैं, वो सारे बिल अब रिफ्लेक्ट होने लग गए। और जब ये सारे 5-5, 7-7 साल के पुराने बिल एक साथ रिफ्लेक्ट होने लग गए, तो आदमी वो बिल दे नहीं सकता, तो आदमी, कई लोगों ने करंट के बिल भी भरने बंद कर दिए। तो एक तरह से जल बोर्ड को डबल सफ़र करना पड़ रहा है, एरियर भी नहीं मिल पा रहे और वो करंट वाले भी आने बंद हो गए। सो आज हम लोग ये एरियर्स जो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए, इसमें कुछ एरियर्स ऐसे ज़रूर हैं जो लोगों ने, कुछ लोगों ने बिल नहीं भरे, जानबूझ के नहीं भरे, जिस वजह से भी नहीं भरे, और कुछ ऐसे भी एरियर हैं जो हमारी गलती है, दोनों तरफ से है। कुछ कंज्यूमर्स की गलती हो सकती है, कुछ जल बोर्ड की गलती हो सकती है। लेकिन इस लायबिलिटी को जब तक ये बुक्स में रहेगी लायबिलिटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम एरियर से वेवर देने की योजना की घोषणा कर रहे हैं। हमारी बिलिंग एफिशिएंसी अभी तक 80% हुआ करती थी कुछ साल पहले तक,
यानी कि महीने में 80% लोगों के ही बिल बनते थे, बाकी 20% के बिल ही नहीं बनते थे। तो आप सोच सकते हो कि जिनके कई कई महीनों से बिल नहीं बने वो कितने दुखी होंगे। आज वो एफिशिएंसी हमने 95% तक अचीव कर ली है और अगले कुछ महीने में हम 98% तक इस एफिशिएंसी को अचीव कर लेंगे। तो आज जो स्कीम की घोषणा की जा रही है कि जिन जिन लोगों के पास फंक्शनल मीटर्स हैं, जिनके घर में, ये मैं अभी डोमेस्टिक की योजना का अनाउंस कर रहा हूँ, जिनके घर में फंक्शनल मीटर्स हैं, चालू मीटर हैं, काम कर रहा है मीटर, खराब मीटर नहीं और अनमीटर्ड नहीं, जिनके घर में फंक्शनल मीटर्स हैं इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा, ये योजना 30 नवंबर तक लागू होगी। 30 नवंबर के पहले पहले जो अपने घर में फंक्शनल मीटर लगवा लेगा, अब लगवा लेगा, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अपना फंक्शनल मीटर लगवा लो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ और इस योजना का फ़ायदा उठाओ। ये योजना का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में फंक्शनल मीटर हैं और जो फंक्शनल मीटर लगवा लेंगे। उन लोगों को उनका सारा LPSC ज़ीरो कर दिया जाएगा। LPSC इज़ लेट पेमेंट सरचार्ज, जो एक तरह से पेनल्टी और इंटरेस्ट होता है। और जो हाउस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ABCDEFGH कॉलोनीज हैं, उसमें EFG और H कॉलोनीज के लोगों के सारे 100% एरियाज माफ कर दिए जाएंगे। उनका सारा LPSC माफ कर दिया जाएगा 100%, और उनके सारे एरियर्स माफ़ कर दिए जाएंगे 31 मार्च तक के सारे एरियर्स माफ़ कर दिए जाएंगे। जो ए कैटेगरी के लोग हैं उनके 100% LPSC माफ़ कर दिया जाएगा और 25% रिबेट बिल माफ़ किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 25% माफ़ किया जाएगा। जो बी कैटेगरी के लोग, सॉरी ए और बी के, दोनों ए और बी के 25% माफ़ किए जाएंगे। सी कैटेगरी के 50% माफ़ किए जाएंगे और LPSC पूरा माफ़ किया जाएगा, और डी कैटेगरी के 75% माफ़ किए जाएंगे और वो LPSC पूरा माफ़ किया जाएगा। जो EFGH कैटेगरी है उनके 100% एरियर्स माफ़ कर दे प्रिंसिपल अमाउंट और 100% LPSC, प्रोवाइडेड दे हैव अ फंक्शनल मीटर और दे इंस्टॉल अ फंक्शनल मीटर बिफोर 30th नवंबर। ए कैटेगरी वालों के और बी कैटेगरी वालों के 25% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ किया जाएगा 100% LPSC। सी कैटेगरी वालों को 50% प्रिंसिपल अमाउंट और 100% LPSC। डी कैटेगरी वालों को 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ किया जाएगा और 100% LPSC माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं उसमें जो लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट पूरा भर देंगे 31 मार्च तक का, उनके LPSC 100% माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन उनको ये सुविधा दी जा रही है कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है अगर वो चाहें तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में अपना भर सकते हैं, अगर वो एक साथ नहीं, लेकिन तीनों इंस्टॉलमेंट्स उनको 30 नवंबर के पहले पहले भरनी होगी। इस पूरी योजना से हमें 600 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। सो आप पूछेंगे जब माफ़ कर रहे हैं तो आमदनी कैसे होगी, तो आमदनी इस तरह से होगी जैसे जिसका 25% माफ़ कर रहे हैं वो 75% जमा कराएंगे। तो हमारे जितने एरियर पड़े हुए हैं उसमें से रिकवरी चालू होगी, हमारी बुक्स क्लीनअप हो जाएंगी और हम एक तरह से नई स्लेट के ऊपर हम अपना वो शुरू कर पाएंगे। तो इन जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सारे कंज्यूमर्स को मैं पर्सनली चिट्ठी लिखूंगा और उनको इनक्रेज करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आके मेन स्ट्रीम में आएँ, मीटर लगवाएं, इस स्कीम का फ़ायदा लें। और इसके बाद हमें उम्मीद है, अभी अब जब से टैब सिस्टम चालू हो गया है और जब से अब ये, जैसा मैंने बताया, हमारी 95% एफिशिएंसी, बिलिंग एफिशिएंसी पहुंच गई है, हम 98-99% तक इसको ले जाएंगे। अब हमें उम्मीद है कि आर्टिफिशियल एरियर्स, रॉन्ग मीटर रीडिंग, ये वाले मामले अब, दिस शुड बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो इससे हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफ़ी सुधरने की उम्मीद है। इस पे अगर आपके कोई, कितने लोग आएंगे जो आपने कैटेगरी बनाई है जिसमें पूरा माफ कर रहे हैं?
ई एफ जी एच कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वैसे 17.5 लाख हैं। एक मिनट मेरे पास, ये वो हैं जिनके एरियर्स हैं। लगभग 10.5 लाख के करीब है ई एफ जी एच कैटेगरी। लेकिन पानी का बिल जो अभी तक ईमानदारी से देते आए, क्या नहीं लगता है कि स्कीम के बाद वो लोग बिल देना बंद कर देंगे, सोचेंगे सरकार फिर इस तरह की स्कीम कोई लाएगी हमारा माफ हो जाएगा? तो आज मैंने जैसे आपको बताया कि अब ये मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी स्कीम होगी। अभी तक ये जो स्कीम्स हमें लानी पड़ी ये काफ़ी हद तक हमारी इनएफिशेंसी और हमारी बिलिंग सिस्टम की समस्याओं की वजह से है। अब अगर हम ये अपनी बुक्स के अंदर आर्टिफिशियल बिल जारी रखें, अब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का बिल आ गया, एरियर आ गया, अचानक अगले महीने आपका, अभी तक आप ठीक ठाक दे रहे थे, अचानक अगले महीने आपका 1 लाख रुपए उन्होंने दिखा दिया एरियर है, आपको समझ नहीं आ रहा कब का एरियर है, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, 5 साल पुराना कहते हैं जी एरियर है। अब अगले महीने 1,000 आया, जब तक आप 1,01,000 जमा नहीं कराओगे वो लेते नहीं हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई पुराना सारा अब इसको हिसाब किताब साफ करके अब आप करंट का अपना जारी करना चालू करें। ये सारा सिस्टम आप समझा लीजिए। बेसिकली इस स्कीम के जैसा कि फंक्शनल मीटर जिनके पास लगेगा वही इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। अतः हमारा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फंक्शनल मीटर्स लगा करके हमारे बिलिंग नेटवर्क में आ जाए और उनके जितने भी एरियाज हैं बेस्ड ऑन दी पैरामीटर्स जो भी बताए गए हैं उस कैटेगरी के हिसाब से उनके माफ हो जाएंगे 31 नवंबर तक। तो आइडिया ये है, ऑलरेडी हमारे एम्पैनल जो है हमने मीटर लगाना जो है वो अवेलेबल किया हुआ है, कंज्यूमर अपनी पसंद का मीटर बेस्ड ऑन दी पैनल जो हमारा है मीटर लगा सकते हैं, 7 मीटर कंपनीज हम उनसे लगा सकते हैं। मीटर लगा करके आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन हमारे ZRO ऑफिस के अंदर देनी है और उसी के बाद अगर आपका जो एरियर है कैटेगरी ए और बी का जो आपका 75% आपने देना है, 25% माफ होगा, बी कैटेगरी में 50% होगा, सी कैटेगरी में 75% होगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ आपने वो जमा कराना है और अपना फंक्शनल मीटर लगाना है और वो एक सर्टिफिकेट वहाँ जाके दे देना है ZRO ऑफिस में। उसके बाद ऑटोमेटिक रिबेट्स जो है उनका अगले बिल से आना शुरू हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल और इसमें हम लोग जो है ZRO ऑफिस में भी आप आ सकते हैं, हमारी जो डोर स्टेप डिलीवरी वाली सुविधा है उसको भी अवेल कर सकते हैं और बाकी हम लोग भी फैसिलिटेट करेंगे कैंप्स लगा करके। और जैसा कि बताया गया है कि लेटर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्टली इन कंज्यूमर्स को जाएंगे, उनको इंकरेज किया जाएगा कि आप फंक्शनल मीटर्स लगाएं और जल्दी से जल्दी ZRO ऑफिस में आकर के उसकी इंटीमेशन दे दें, बस बाकी सारा काम जो है उसका वेरिफिकेशन वगैरह का वो सब लोग हम करेंगे। ये अमाउंट और नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं जो कैरियर्स में होंगे 5 से 7 साल वाले जिनके लिए योजना? टोटल 13.5 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके एरियर्स हैं। अमाउंट जो है डोमेस्टिक में प्रिंसिपल अमाउंट लगभग 2,500 करोड़ है और कमर्शियल में लगभग 1,500 करोड़ है मोटे मोटे तौर पे प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि फंक्शनल मीटर लगाने के बाद आप 7 कंपनी हमारी हैं जल बोर्ड की जो हम पैनल की गई हैं, उनमें से आपकी जो मर्जी है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, बाजार से किसी का भी मीटर खरीद लो। मीटर लगाने के बाद आप 1076 पे फ़ोन कर दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले ये था कि ZRO के ऑफिस जाना है, 1076 पे फ़ोन कर दो, आपके घर एक आदमी आके आपसे सारी डिटेल ले जाएगा और आपको रिबेट दे जाएगा। सर एक सवाल इससे अलग है, कैश एम्बुलेंस वाले 2 महीने से हड़ताल पर हैं, लोग वो शिकायत कर रहे हैं कि एम्बुलेंस मिलने में दिक्कत आ रही है उन लोगों को। जोशी जी, उसकी जो उनकी हड़ताल है वो नाजायज है, उस हड़ताल को इलीगल घोषित कर दिया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उसको इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं पुलिस से निवेदन करूंगा और अपील करूंगा कि जो जो लोग ड्यूटी पे, बहुत सारे लोग ड्यूटी पे आना चाहते हैं, उनको ड्यूटी पे कुछ चंद लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, वो उनको ड्यूटी पे नहीं आने दे रहे, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को भी, नए लोगों की भी भर्ती की हम लोगों ने, उनको भी ड्यूटी पे नहीं आने दिया जा रहा। तो मैं LG साहब से भी पर्सनली मिलके आया था, LG साहब ने भी मेरे सामने पुलिस को डायरेक्शन दिए थे कि पुलिस उन लोगों को सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो ड्यूटी पे आ पाएंगे। सर एक स्कीम है
उसको छोड़ दे, पानी वाला पूछ लो, पानी का कुछ और बचा है। थैंक यू, थैंक यू।